हम निकले ब्रज चौरासी कोश यात्रा पे, मतलब आके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता था, कल हमारी ब्रज चौरासी कोश यात्रा का पहला दिन था जो बहुत बढ़िया हो गया। शाम को 5:30-6 बजे हम घर पहुंच गए थे। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। एक हमारी माता जी और बढ़ गई हैं, पहले 2 माएँ थी, अब 3 माँ हो गई हैं, तो इनको ब्रज चौरासी कोश यात्रा कराएंगे। आज दूसरा दिन है। आज हमारा शेड्यूल भी बहुत लंबा है। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, डीग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मतलब बहुत सारे आज स्टॉप है हमारे। तो देखते हैं कितने बजे फ्री होते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं डीग महल, जहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है वहाँ। तो राजस्थान चलते हैं अभी, उत्तर प्रदेश से। डीग जो है वो राजस्थान में आता है, तो वहाँ चल के वहाँ देखते हैं क्या दर्शन होते हैं। गोवर्धन के दर्शन करेंगे लौट के, बाद में कोकलावन से लौट के आएंगे नंदगांव बरसाना, उसके बाद आएंगे गोवर्धन, गोवर्धन के करेंगे तब। तो अभी फिलहाल सुबह सुबह भजन की इच्छा हो रही है, तो इनसे एक भजन सुन ले रहे हैं, और जो इनकी इच्छा होगी जो बता देंगे। हाँ जी, आज कैसा लग रहा है? दर्द वर्द काई के सिर में? मंगल हरी मंगल, जय हो मंगल हरी, वो तो मंगल करने वाला है। मांगनी का लाला है। तो आज भी सुबह वही करते हैं, 8 बजे निकले, कल की तरह। कल भी ठीक है 8 बजे निकले, आज भी 8 बजे निकले। आज सफर थोड़ा लंबा हो जाओ। कल हमारी गाड़ी मैंने बताई 110-111 किलोमीटर चली पूरी, आज पता चलेगी। फिर हमारे मथुरा वृंदावन रह जाएंगे, रही तो वो हम करेंगे कल। तो आज जो जगह जा रही हो तुम, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाने, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके बारे में कुछ बताओगी? वो बद्रीनाथ गयो पहली बार, वो वाला बद्रीनाथ ना, अच्छा बद्रीनाथ के बारे में बताओ। 84 कोस की परिक्रमा में बद्रीनाथ केदारनाथ जो सब आते, फिरने पीटा करा रहा हूँ। 84 कोस यात्रा थे, एक और पुण्य मिले। जो कहावत है वो ये है कि 84 कोस 84 लाख यूनियन से भी छुटकारो मिले। जो आदमी 84 कोस परिक्रमा कर ले, वह 4 धाम को पूरा उतना ही फल मिले, आनंद मिले, और 84 लाख यूनियन से भी छुटकारा मिलता है। तो जे एक तरीका थे तुम्हारी स्वर्ग की यात्रा ही रही है। पहले आपने आंटी नागरी पहली बार कर रही हो? मैं तो पहली बार ही आई हूं। अच्छा, यहाँ में आज हमारी गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी है? हाँ, की है जाए। फिर हमारी जो कल वही का आंटी तुम्हें करने पड़ेंगे बाद में, अंकल खेच दियो का ही देना। मथुरा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी तय करके हम सबसे पहले जा पहुंचे हनुमान जी के दर्शन करवे को डीग पैलेस। डीग महल पहुंच के सबसे पहले हमने दर्शन करे हनुमान जी के। बाके बाद वहां के पुजारी ओम प्रकाश शर्मा जी ने हमें बताया कि प्रतिमा में हनुमान जी के कई रूप के दर्शन होते हैं। जब राम लक्ष्मण को अहिरावण हरण कर पाताल से लाया गया तो हनुमान जी उन्हें लेने पहुंचे थे। प्रतिमा में हनुमान जी के कंधों पर राम लक्ष्मण विराजमान हैं, तो वहीं वो एक हाथ में गदा धारण किए हुए हैं, साथ ही पैर के नीचे पाताल भैरवी को दबा रखे हैं। अरे देख रहे हो आप, ये सारे कलर फुवारे हैं। साल में एक बार चलते हैं, या मेला लगता है तब। बाकी इसकी जितनी तारीफ करी जाए आपको बताया उतनी कम है। एक तोप और रखी है डीग की, उधर हो रही सामने, डीग महल से थोड़ी सी दूरी पे है। ठीक है, टाइम से फ्री हो गए। ये देखो उसकी ओपनिंग की टाइमिंग भी ठीक है। डीग महल से हनुमान जी के दर्शन करके और उनको आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए, जाकी दूरी डीग महल से मात्र 18 किलोमीटर की थी। उत्तराखंड के 4 धाम की तरह ही राजस्थान के 4 धाम का भी खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि जो लोग उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते, वो ब्रज के 4 धाम की यात्रा से भी उतना ही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने उनसे कहा कि हम 4 धाम की यात्रा के लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि आप वृद्धावस्था में 4 धाम की दुर्गम यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमने मन्नत मांगी थी कि जब हमारा बेटा 5 वर्ष को है जावेगो तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे, इसलिए हमें हर हाल में 4 धाम की यात्रा करनी है। नंद बाबा और माँ यशोदा की हट देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यहीं पर तुम दोनों को 4 धाम के दर्शन करा दूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता योग माया से 4 धामों को ब्रज में ही प्रकट करने की प्रार्थना की। बद्रीनाथ धाम के पास ही गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव को भी उन्होंने प्रकट किया। यहीं पर नर और नारायण पर्वत भी स्थित हैं। योग माया ने यहां से करीब 9 किलोमीटर आगे ऊंची पहाड़ी पर भगवान केदारनाथ को भी प्रकट कर दिया। नंद बाबा और यशोदा माँ समेत सभी ब्रजवासियों ने 4 धामों के यहीं पर दर्शन किए। तो भाई केदारनाथ आ गए हम बड़ी मुसीबत के बाद। मुसीबत ये है कि यहाँ के रास्ता है ना, वो थोड़े ज्यादा प्रॉपर नहीं है। जैसे वहाँ केदारनाथ में होता ना उत्तराखंड में,
रास्ता खराब है, पहाड़ी है, ये है, सेम पहाड़ी यहाँ भी है। यहाँ पे भी मंदिर पे ऊपर जाने के लिए 400 सीढ़ियां है भाई, और वहाँ पे भी देखो कितनी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे, लेकिन है 400 सीढ़ी। तो मैंने ये सुना है अभी एक भैया से कि जो मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर है वो यहाँ पे बोल जाएंगे केदारनाथ के बाद, फिर और कहीं जाने का उनका मन नहीं करेगा। लेकिन मुझे अभी नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन ये सब करना है, तो हिम्मत से काम लेंगे, श्रद्धा से चलेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और लोकेशन, हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके आप मुझसे लोकेशन मांग सकते हैं भाई। अगर फ्यूचर में आपका भी 84 कोस यात्रा करें तो आपको लोकेशन प्रॉपर मिल जाएगी, बद्रीनाथ की, केदारनाथ की। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, किसी भी रोड पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम तो भटक गए थे 1-2 किलोमीटर, लेकिन आपको नहीं भटकने देंगे हम। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई सब्सक्राइब करते जाइए, धन्यवाद। ये आगे भाई हम केदारनाथ, जय केदार बाबा। मुझे तो वही फीलिंग आ रही है केदारनाथ वाली। खैर केदारनाथ ही तो है। ये पहला सज्जन है हमारी यात्रा का जो बोल गया, ये दूसरा और वो तीसरा और मैं चौथा। अभी ना बोले, चलो ऊपर बात करेंगे। तो हाँ, भाई रुक रुक के पानी वानी लेते हुए आराम से चलना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं रखो। भोलेनाथ बाबा ऐसे ही ना बुला ले, में तपस्या ये परीक्षा है। नहीं चलेंगे, तो नीचे चले आयो, मथुरा बड़ी दूर से आयो। भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन करने के बाद और अपनी चार धाम की यात्रा पूर्ण करने के बाद हम जा पहुंचे चरण पहाड़ी, जिसकी दूरी केदारनाथ मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर की थी। कान्हा जी के कान्हा जी के चरण, कान्हा जी को तो छोटो पाऊ। हाँ, ये मंदिर तो बाद में बना है ना। हाँ, पहले तो यहाँ सादा पहाड़ी होगी ऐसी। भगवान कृष्ण जन तो मुसराम लिया, गोकुल चले गए, गोकुल जागे नंदगांव। नंद बाबा पर 9 लाख गाय चरा चरा से कुंड लुक लुक कुंड बोलते हैं। अच्छा, तो गाय चरा देखो वहाँ है कुंड, वो कुंड तो भगवान बोले बोल भाई लाला कुछ खेलेंगे, ग्वाला बोल गए कौन सा खेल खेलेंगे, और छुपा छुपी तो भगवान इसमें अंतर्धान हो गए। श्री मंदिर भी नहीं था, जब ग्वाला रोने लगे बोले भाई अब क्या करें, ये तो पता नहीं नंदगांव में चलना। वो रोने लग गए तो भगवान ही आगे बांसुरी बजाई, ये पर्वत सौरा पिघल गया तो भगवान के चरण में। फिर आगे भगवान खिसले, खिसली पट्टी, खिसली पट्टी बोलते हैं। हाँ, फिर भगवान बोले ग्वाला बार भूख लग रही है, मान लो भोजन करें, वहाँ तो भोजन थाली बोलते हैं। और चार धाम उत्तराखंड में ये जसोदा की कृपा से यहाँ आए हैं, सबके ब्रिज में जो महात्मा में इसका। तो चरण पहाड़ी के दर्शन भाई कैसे हुए? टॉप के हुए, पंडित जी से पूछी अपने, पूरी प्रक्रिया बताई, तो बहुत आनंद आया। चरण पहाड़ी के दर्शन करने के बाद हम सीधे जा पहुंचे फिसलनी शिला, जिसकी दूरी चरण पहाड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की है। तो हम आ गए हैं अभी फिसलनी शिला पे, ये देखिए श्री कृष्ण फिसलनी शिला, यहीं पे श्री कृष्ण भगवान फिसल फिसल के खेले थे। जहाँ पे सरक के आओ बहन जी, फिसलनी शिला वहाँ से जाओ, उधर से गिरो जाओ, हंस रही हो तुम तो। वाह बहुत बढ़िया, यहीं पे खेले कृष्ण को, सीरक में थोड़ी ना फिसल पट्टी सीरक में होती होंगी, फिसलो शाबाश बहुत बढ़िया, गिर जाओ तो कान्हा जी तो कह दियो मजा आता। तुम तो मेन ब्लॉगर हो, हमारे ऊपर जाओ वो पत्थर आओगे। फिसलनी शिला के दर्शन करने के बाद हम सीधे जा पहुंचे भोजन थाली के दर्शन करने के लिए, जिसकी दूरी फिसलनी शिला से मात्र 4.5 किलोमीटर की थी।
देखते अंदर। कटोरा के दर्शन करो बहन जी, लगाओ कटोरा में अमरूद भोग। अति प्राचीन मंदिर दूध कटोरा दर्शन ब्रज धाम। कटोरा में रख दो, कटोरा में दूध को, कटोरा भगवान का। हाँ। और थाली, थाली नीचे नीचे। हाँ, भगवान ने दूध पियो ग्वाल वाल छिपके। अच्छा, नीचे भोजन पियो खुल के। हरे बन कटोरा जी, दो ये सेम भगवान के चन्ने बनाए हुए हाथ के भगवान के। जो देखो साहब कटोरा, थाली किधर है माता जी? नीचे बेटा। अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण की भोजन थाली स्थान, यहाँ बैठ के। आ हा वाह वाह वाह, थाली देख लो भगवान श्री कृष्ण की, कहाँ खाना खाया, अति सुंदर। कौन सा स्थान है? जैसे गिरिराज पर्वत है, ऐसे ही इंद्रसेन पर्वत की शाखा है। और जाता हूँ, भगवान ने लीला करी है, 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज धारण किया है और 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ बन भोजन की ओर भगवान ने छाक लीला। बड़ी थारी बलराम की, बड़ी थारी बलराम की, छोटी थारी किशन की। ई बलराम का कटोरा, ई किशन को कटोरा। और जो शिला देख रहे, ये अयोध्या के राजा हुए कुमलास, राम के वंश में। उनके कोई संतान नहीं थी, 85 साल तक भगवान की घोर तपस्या करी। बैठो, घोर तपस्या करी और 85 साल बाद एक कन्या उत्पन्न हुई और यह कन्या का नाम रखियो भगवान के नाम पे कृष्णावती। और यह कृष्णावती ने वरदान मांगो भगवान से, एक मैं पत्थर की शिला बनू। देखिए, अहिल्या तो बनी है पति के शराब से, जाको राम ने उद्धार किया है। और याने सेम भगवान से वरदान मांगो है, एक मैं पत्थर की शिला बनू और आप बैठ के मुँह पे भोजन करो। जय हो। आपकी झूठन गिरेगी, उसी में मेरा उद्धार है। अरे, तो भगवान जब तो या की मनोकामना नहीं कर पाए, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा के बंधन में के देव की केर, बस देव के यहाँ जन्म लूंगा और कंस को वध करूंगा और तेहरा उद्धार करूंगा। तो भगवान नंदगांव से आए गैया चराते हुए, गैया यहाँ पहाड़ में छोड़ देंगे और भगवान यह शिला पे विराजमान है गे। संग में सकाविए, कोई माखन लायो है, कोई मिश्री लायो है, कोई सूखी रोटी ही आयो है। अपनी अपनी छाक जमाए नहीं है। और देखिए भगवान कैसी मनोहारी लीला कर रहे हैं, भगवान सकान को खिला रहे हैं और सका भगवान को खिला रहे हैं। ऐसी यहाँ मनोहारी लीला है रही है। और उन सकान में एक आध गरीब, जब मैं मधु मंगल तो नेहाद गरीब था, कोई पड़ोसी से 3 दिना की खट्टी छाछ मांग के लायो हाड़ी में और भगवान के संकोच के मारे छिपके पीवे लगे। भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट के वासी है, उन्हें एक मुक्का न्यो जमायो और एक न्यो जमायो। जैसे मधु मंगल के मुख से जो बाहर निकली है, सेम भगवान ग्रहण करिए। जो भगवान को माखन मिश्रियो, वो तो मधु मंगल के ग्रहण है गयो। और जो मधु मंगल की खट्टी छाची, वह सेम भगवान ग्रहण करिए। ऐसी यह मनोहारी लीला है रही है। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे, एक ही कैसो भगवान है जो ग्वालिया गमार सबकी झूठन खा रो है। ये भगवान नहीं है तो कोई वैसा ही है। नीचे भगवान ने भोजन किया है, ऊपर दूध पी के शयन करिए। ऊपर से ही दूध की धार आई है जो यह सरोवर में गई है। यह सरोवर के 4 नाम है, किशन कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कलयुग में खीर सागर। इसीलिए भक्त लोग आते हैं भाव विघोर होके, हमारे भगवान ने हमको सब कुछ दिया और हमारे भगवान ने जमीन बैठ के भोजन किया। थारी का, बाटके का, वस्त्र का, भोजन का दान करते और अपनी यात्रा सफल करते। बोलो राधे राधे। राधे राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे। भोजन थाली के दर्शन करके और वहीं पर अपनी पेट पूजा करके हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव कामेश्वर महादेव की ओर, जिसकी दूरी भोजन थाली मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की है। कामा में कामेश्वर महादेव के मंदिर, ये देखिए। हाँ, करेंगे दर्शन।
प्राचीन मंदिर श्री पंचमुखी महादेव। कामा में कामेश्वर जय महादेव। हाँ अच्छा अच्छा ठीक। कामेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल पड़े नंदगांव की चरण पहाड़ी की ओर, जिसकी दूरी कामेश्वर महादेव मंदिर से मात्र 13 किलोमीटर की है। ये है नंदगांव के राधे राधे। हाँ ये है नंदगांव वाले। अच्छा अच्छा जी जी लाल की तरह। हाँ है ना, ऐसे ही है सेम। दोस्तों ये जो है ये चरण गंगा कुंड है और ये है हमारी नंदगांव के चरण पहाड़ी। जैसे हमने कामा में दिखाई थी, आज हमारे ये भी दर्शन हो गए। ये देखिए अभी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है काम धीरे धीरे। मुझे लग रहा है काम बंद है बहुत दिन से, उधर रखा हुआ है पत्थर वत्थर, काम चलेगा भाई। ये है चरण गंगा जो मेंटेन नहीं किया हुआ। ये रही अपनी इंडिया टूर कार, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश चरण पहाड़ी। उसके बाद दोस्तों हम आगे पावन सरोवर, ये देख लीजिए टैगलाइन, पावन सरोवर में साबुन शैम्पू से कुंड में स्नान ना करें, बहुत अच्छा। इसका सेपरेट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लेना। फिलहाल ये 84 कोस का एक पार्ट है, तो यहाँ भी दर्शन करें। है हाँ रुका हुआ पानी है ना, सरोवर का पानी है लेकिन बहुत बड़ा। पावन सरोवर के दर्शन के बाद हम सीधे निकल पड़े नंदगांव में नंद भवन के दर्शन की ओर। नंदगांव का नंद भवन यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कृष्ण के माता पिता नंद और यशोदा की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर के अंदर भगवान कृष्ण और बलराम की मूर्तियां स्थित हैं, जबकि इनके दाईं और बाईं ओर यशोदा और नंदा की मूर्तियां स्थापित हैं। काफी सारे पड़ाव कर लिया आज हमने और ये नंद भवन भी आ गए। यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे, कोकला बन जाएंगे। 4 बजे का टाइम था मंदिर खोलने का, देखो कितने बजे खोला है, 5 बजे खोला है। नंदीश्वर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलो थोड़ी भीड़ कम हो जाए, दर्शन करके फिर निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव, नंद बाबा की जय। नंद बाबा के दर्शन के बाद हम जा पहुँचे टेर कदम, जो नंद भवन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों मैं हूँ अभी टेर कदम, ये देख लो, ये देख रहे हैं आप, ये सारे कदम के पेड़ हैं। अभी हमने महाराज जी से पूछा था, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो महाराज जी ने ऐसा बताया कि कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ के कान्हा जी अपनी बांसुरी बजा के जो भी गाय थी है ना उनको बुलाते थे और पेड़ के ऊपर चढ़ के, इसलिए इस एरिया का नाम पड़ा टेर कदम। ये देखिए यह स्थान कृष्ण बलराम की गौचरण भूमि है, यहाँ कृष्ण बलराम गाय चराते हैं तथा रूप गोस्वामी जी भजन स्थली है, बहुत अति सुंदर। हम अभी ब्रज 84 कोस यात्रा में, इसलिए यहाँ आने का मौका मिला। अब 10-15-20 साल हो गया हमें रहते रहते मथुरा में, लेकिन हम यहाँ कभी आए नहीं अपने जीवन में। सोचो आप कभी मथुरा वृंदावन आए तो भाई ऐसी जगह को मत भूलिए आना, ये सब कान्हा जी की रासलीला से जुड़ी हुई जगह है। देख रहे हैं कितनी सुंदर जगह है, वेल मेंटेन है, सारे पेड़ मेंटेन है। टेर कदम से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है आशेश्वर महादेव। यात्रा का एक और बड़ा पूरा हो गया, ये देखिए आशेश्वर महादेव, बहुत प्राचीन मंदिर है। गाड़ी खड़ी करने की यहाँ कहीं भी कोई टेंशन नहीं है, जितने भी तीर्थ हमने किए हैं वहाँ कहीं भी अपनी गाड़ी लाइए पर्सनल और दर्शन करिए मजे से। प्राचीन मंदिर श्री आशेश्वर महादेव, पहली बार आया हूँ भाई, सोचो बहुत सुंदर दर्शन। आशेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम निकल पड़े सीधे कोकला बन शनिदेव महाराज के दर्शन करने के लिए, जिसकी दूरी आशेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 6.5 किलोमीटर की है। जय शनिदेव।
दोस्तों यहाँ भी गाड़ी खड़ी करने को आपको बहुत स्पेस मिल जाएगा। ये देखिए वो खड़ी हमारी राम प्यारी, खाली है मंदिर, कोई टेंशन नहीं, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। क्योंकि आज सोमवार है ना, वर्किंग डे में आपको पता है यहाँ भीड़ होती है शनिवार को। तो ये कोकला बन के शनिदेव महाराज जी के भी दर्शन हो गए हमारे। अब चलते हैं हम बरसाने वाली राधा रानी के दर्शन करने, देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है। वैसे मुझे लगता है कम भीड़ मिलेगी, एक तो शाम हो गई ना तो भीड़ इतनी आज होगी नहीं। आइए माता श्री, आइए। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़े सीधे राधा रानी के मंदिर बरसाने के लिए, जिसकी दूरी शनिदेव महाराज मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की है। श्री राधा रानी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे दिन के अंतिम पड़ाव गोवर्धन के लिए, जिसकी दूरी बरसाने से 20 किलोमीटर की है। यहाँ पर हमने सबसे पहले मुखारविंद दान घाटी के दर्शन करके और गिरिराज महाराज का आशीर्वाद लेके अपने गोवर्धन की परिक्रमा शुरू कर दी। वहीं गिरिराज महाराज की परिक्रमा के साथ साथ हमने रास्ते में राधा कुंड, कुसुम सरोवर, नारद कुंड, मानसी गंगा, चकलेश्वर महादेव, पूछरी का लोटा, दान घाटी और ऐसी मुख्य पड़ाव स्थलों का दर्शन करते हुए हमने अपनी यात्रा को समाप्त किया। तो दोस्तों हमारे दूसरे दिन की यात्रा भी कंप्लीट हो गई है। आज की यात्रा हमारी बहुत लंबी रही है। कैसे लंबी रही है? क्योंकि आज की यात्रा में हमने 2 दिन के जो भी दर्शन थे वो कवर किए हैं। देखिए 84 कोस का मतलब है 250 से 260 किलोमीटर की यात्रा हमारी कंप्लीट होगी। लेकिन हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, अभी तक हमारी गाड़ी 312 किलोमीटर चल गई है और अभी मथुरा वृंदावन बाकी है। दाऊजी बलदेव साइड का एरिया हो गया, इधर पानीगांव बेलवन साइड का एरिया हो गया, गोवर्धन का हो गया, डीक का हो गया, चारधाम हो गए, नंदगांव, बरसाना, कोकलावन ये भी हमने कर लिए। अब हमारा सिर्फ मथुरा वृंदावन बचा है और गोवर्धन भी अभी हमने आते आते कर लिया। तो हमारी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है। मेरी इस वीडियो से आप अपनी यात्रा 84 कोस की 3 दिन में कम्प्लीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो में बताया है, उसे देखकर आप अपनी यात्रा कम्प्लीट कर सकते हो मात्र 3 दिनों में, ना कि 7 और 8 दिन में। ठीक है, किसी की बातों में ना आए, अपना गूगल खोले, वहाँ से अपनी गूगल मैप से लोकेशन डाले, मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। उसके बाद उस जगह के बारे में गूगल पे सर्च करिए, घूमिए और वापस आ जाइए। भाई किसी के चक्कर में मत पड़ना, सीरियसली बता रहा हूँ। अपनी गाड़ी उठाओ और ब्रज 84 कोस यात्रा का आनंद लीजिए, दर्शन करिए, अच्छे दर्शन मिलेंगे। अभी भीड़ नहीं है कोई भी, फिर ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इसी टाइम अपने दर्शन कर लीजिए। बोलो राधे राधे।